संजीव झा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चेहरा बदल देने से चरित्र नहीं बदला करता, ये कहना है बीजेपी का, और जो आरोप लगाए गए हैं उनके मार्लेना नाम को लेकर, उस पर भी जवाब आपका। देखिए, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा और चरित्र रहा है वो महिला विरोधी रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई भी महिला कोई प्रीमियर पोजीशन पर बैठ जाए। तो नफरत तो उस बात की है, बहाना कुछ और भी लगा रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, मैं अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन रहा था, पर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है कि मैं सोशल मीडिया में देखा हूँ तो मैं बयान दे रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार एमपी का भी बयान मैं सुन रहा था, अब तीसरी बार एमपी का बयान का मुझे ना तो कोई आधार पता चल रहा है, ना तो और पता चल रहा है, ना छोर पता चल रहा है। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कहने को कुछ नहीं है। एक बात आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ा, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 49 दिन में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया, और फिर दिल्ली में एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया जिसको पूरे देश ने स्वीकारा। पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम काम की चर्चा हो रही है, पंजाब के लोगों ने भी उस पर मुहर लगाई। अब तमाम साजिश करके, चूंकि अरविंद केजरीवाल का पूरा जो जीवन काल रहा है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है ये पूरा देश जानता है, और इनकी एजेंसी ने भी ये साबित किया, तमाम तरह की 1000 से ज़्यादा अफसर जगह जगह छापा मार लिया, जांच कर लिया, एक अठन नहीं, कहीं कोई बरामद नहीं कर पाया। तो अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार हैं, वो तो इनकी एजेंसी ने साबित किया, हाँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति पर इस तरह का लांछन लगना, तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात ठाना है कि हाँ, हम अग्नि परीक्षा देंगे और हम जाएंगे जनता के बीच में, और जनता के बीच में जाकर जनता से पूछेंगे कि क्या मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ, जनता तय करेगी। मैं एक बात और बता दूँ, मैं विधायक हूँ, मैं रोज एरिया में जाता हूँ, मैं 3 दिन से लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोग ये कह रहे हैं कि मेरा अरविंद केजरीवाल बेटा है और अरविंद केजरीवाल के लोगों ने परेशान किया है, जब तक चुनाव होगा मैं घर घर जाऊंगी, अपने बेटे के लिए वोट मांगूंगी। मैं दावे से कह सकता हूं, क्या नहीं बन रहे हैं पहले ये बता दीजिए, 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, इतनी मेहनत आपकी ओर से की जा रही है, मंत्री बनेंगे नहीं, सरकार में नहीं बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है चित्रा जी। जैसा अतीश जी ने कहा और हम सब ये मानते हैं, हम कोई सत्ता के लिए नहीं आए हैं, अपना करियर नहीं बनाए हैं, इस देश के लिए आए हैं, दिल्ली के 2 करोड़ जनता के लिए आए हैं। तो सबका अपना अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दिया, अगर हम सब लोग ईमानदारी से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। गौरव भाटिया जी, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का, संजीव झा का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने इस तरह के कदम उठाए हैं, और ऐसा मिसाल बहुत कम मिलता है भारतीय राजनीति में। क्या है जवाब इस पर गौरव भाटिया जी आपका? देखिए चित्रा जी, पहले तो क्योंकि इन्होंने राजनीतिक बात करी, और मैं अभी सुन रहा था आपके जो और प्रवक्ता और नेता हैं, देखिए ट्यूमर जो है वो आज हटा है, अभी 20 मिनट पहले इस्तीफा दिया ट्यूमर ने, एक भ्रष्टाचारी ट्यूमर था जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है, क्या कैंसर भ्रष्टाचार का खत्म हो गया? नहीं चित्रा जी, ये जो कैंसर है भ्रष्टाचार का, ये तो पूरी आप में है, पापी आप, कट्टर बेईमान, ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं हम लोग। और मैं आपसे एक बड़ी बात कहता हूं, देखिए जेल वाला सीएम बेल वाला सीएम बना, ये हमने प्रेस वार्ता में कहा, जेल सीएम से बेल सीएम और बेल सीएम से फेल सीएम, आज फेल सीएम जो है नाम आ रहा है आतिशी मारलेना का। सवाल ये पूछा जाएगा, ये लोग कह रहे हैं खड़ाऊ रख दिए, खड़ाऊ रख दिए, खड़ाऊ वाला सीएम। पहली बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामायण का अगर आप उदाहरण देंगे, कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी पापी आप वाले, तो ये अपने आप में हर हिंदू की भावनाओं को आहत करेगा। लेकिन सवाल संवैधानिक भी है। आप मुझे चित्रा जी ये बताइए, ये जो खड़ाऊ वाला सीएम होगा ये दंड कैसे देगा? ये अपनी शपथ का जो संविधान के तहत लेगा उसका निर्वहन कैसे करेगा? क्योंकि आज भी इनके गुरु जो है, जिनको ये गुरु बता रही थी चेली आतिशी, इनके गुरु तो अभियुक्त हैं, बेल पे बाहर हैं, सशर्त बेल मिली है। तो मान लीजिए कल को इनके पास कोई फाइल आती है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ प्रमाण है, साक्ष्य है, तो संविधान के तहत इनकी जिम्मेदारी ये है कि वो जांच एजेंसियों को दे दे।
लेकिन ऐसा लग रहा है शीश महल अब भ्रष्टाचार और सारे अवैध कार्यों का अड्डा बनने जा रहा है। ये फाइलें प्रमाण नष्ट होंगे, गवाहों को धमकी दी जाएगी, क्योंकि चेली अपने गुरु की रक्षा करेगी, संविधान की रक्षा तो करेगी नहीं। इसीलिए मैंने कहा ये जो खड़ाऊ वाली मुख्यमंत्री आने वाली है, ये क्या दंड दे पाएंगी अभियुक्त अरविंद केजरीवाल को जब उनके सामने प्रमाण आएगा। आज ठीक है आशुतोष जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, एक एक टिप्पणी सभी मेहमानों से। ठीक है आपकी बात समझ गया आशुतोष जी। आपके पास आते हुए इनका ये कहना है कि बार बार खड़ाऊ मुख्यमंत्री जो बताया जा रहा है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने कार्यों का निर्वहन कैसे करेगा, क्या वो दबाव में रहेगा, और भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, आशुतोष जी क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं बिल्कुल, ये उसी तरीके के मुख्यमंत्री होंगे जिस तरीके के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में हैं। अब वहां खड़ाऊ चलती कि नहीं चलती मुझे नहीं मालूम है, इस बारे में उनका नियंत्रण कहां से चलता है ये सबको मालूम है। अगर गुजरात में मुख्यमंत्री चल सकता है, अगर बाकी राज्यों में चल सकता है तो यहां भी चलेगा, इसमें कौन सी नई बात है। तो ये जो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और दूसरे को दिखाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक विश्लेषक का गौरव भाटिया जी, मैंने आपके गौरव भाटिया जी मिर्ची बहुत अच्छी उनको बोले नहीं, प्लीज उनको बोले नहीं। गौरव भाटिया को मिर्ची बहुत, मैंने संवैधानिक बात करी और संवैधानिक बात का उत्तर भाजपा नहीं हो सकती है आशुतोष जी, अगर अपने आप को राजनीतिक ठीक है उनको बोले नहीं दीजिए। गौरव भाटिया जी संवैधानिक बात का उत्तर दीजिए, गौरव भाटिया जी करिए, आशुतोष जी की बात हो जाए दो और मेहमान इंतजार में है प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया जरूर जरूर, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया जी दल बदलू हैं, कभी ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की सेवा करते थे, बीजेपी में है, इसमें कौन सी नई बात है, उनकी निष्ठाएं बदलती रहती है, कल वो आम आदमी पार्टी में। आप क्या है? है आप क्या है? भ्रष्टाचारी पत्रकार, फेल्ड पत्रकार और फेल्ड पॉलिटिशियन और फेल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट। यहाँ पर दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी करके आप लोग इस शो को खराब करना चाहते हैं, मैं उसकी इजाजत एंकर के तौर पर नहीं दे सकती। आपसे जो मैंने सवाल पूछा है आशुतोष जी, प्लीज आप उसका जवाब दें। गौरव भाटिया जी ठीक है ठीक है ठीक है, गौरव भाटिया जी जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, अभी उनकी बारी है, गौरव भाटिया जी उनकी बारी है, उनको बोलने दें प्लीज। गौरव भाटिया जी दो और लोग इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो में, आशुतोष जी अपनी बात इस दल बदलो, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा आशुतोष जी प्लीज मेरी बातों पर। ये मेरे बारे में बोलेगा तो इसको मैं बोलूंगा ये दल बदलू है, वो नहीं बोलेंगे आपके बारे में। चलिए मुद्दे पर, पहले मुलायम सिंह की चरण वंदना करता था, मुलायम सिंह के कसीदे काटता था, आशुतोष जी मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, यहाँ पर आप दोनों लोगों की व्यक्तिगत जीवन को लेकर डिबेट नहीं हो रही है, ये तो बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। गौरव भाटिया जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे आशुतोष जी सुन रहे थे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आशुतोष जी आप अपनी बात खत्म करेंगे, इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए आप पहले प्लीज। आशुतोष जी, गौरव भाटिया जी ठीक है, इस तरह की टिप्पणी मुझे लगता है कि इस तरह से आप लोग डिबेट खराब करना चाहते हैं। संगीत रागी जी पहले आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री जी मैं आ रही हूँ। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जब सरकार बनाने का दावा आतिशी की ओर से पेश किया गया उस समय की ये तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल ठीक उनके दाहिनी तरफ खड़े हुए हैं, एलजी की तस्वीरें आपके सामने हैं, और यहाँ पर आतिशी बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही है, मुस्कुराता हुआ चेहरा अरविंद केजरीवाल का जरूर है। आतिशी की ओर से आज ये भी कहा गया है कि मुझे बधाई मत दीजिएगा, माला मत पहनाइएगा मेरे लिए और दिल्ली वालों के लिए, ये दुख की घड़ी है कि चहेते सीएम इस्तीफा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने जब सरकार बनाने का दावा पेश किया, उनके हाथ में वो पत्र है, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। संगीत रागी जी, इन तस्वीरों पर आपकी देखिए, गौरव भाटिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और वो ये कि कल जाकर के आतिशी जो खड़ाओं को रख करके और शासन चलाएंगी, कल यदि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मामला आता है तो वो किस प्रकार से निष्पक्ष रूप से उसका निष्पादन करेंगी, इसमें पूरा एक संशय खड़ा हो गया है। दूसरी बात, मेरे लिए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आतिशी का परिवार, उनके माता पिता एक आतंकवादी के को क्षमादान करने के लिए, अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए, जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों के लिए मर्सी पिटिशन पर फाइल करती हैं। वो घोर नक्सलवादी, देखिए कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होना और बात है, और नक्सलवाद जो है जिसको हम एक टेररिज्म के तौर पर हम आज के दिन में लेते हैं, और मनमोहन सिंह हो चाहे वो चिदंबरम हो चाहे भारत की सरकार हो, सबने कहा है कि भारत के अंदर जो सबसे खतरा है देश की संप्रभुता एकता को, वो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म से है। ऐसे तत्वों का समर्थन करने वाले माता पिता से आती हैं, और
आतिशी ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। महत्वपूर्ण बात यह है, अरे वो विधायक चुने गए, उसके बाद मंत्री चुने गए, कई कई मंत्रालय उनके पास रहे, तब तो ये मुद्दा बीजेपी लेकर नहीं आती थी संगीत। ये नहीं लाए, ये भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए था, पहले भी लाना चाहिए था, क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभी जो कहा जा रहा है कि बार बार ईमानदार ईमानदार, अरे भाई आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया, वो काम जो लालू मधु कोड़ा और बाकी नहीं कर रहे थे वो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, और चुन जाने से यह संभव नहीं होता कि आप चुने गए हैं और कल जाकर के आपने यदि कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो आप कहना शुरू कर देंगे अरे मुझे तो चुन करके लोगों ने भेजा है। ठीक है, ये जो बार बार आम आदमी पार्टी के जो विधायक आकर के कहते हैं कि मैं गया और लोग कह रहा था अरविंद केजरीवाल का बेटा, ये हम लोगों ने बहुत देख रखा है। ये जो हम इसे नौटंकी नहीं बोलेंगे, हालांकि आज आशुतोष ने अपने लेखन में अपने एक लेख में ऐसा ही कहा है कि एक ढंग से ये पूरी के पूरी जो है वो नाटक करने वाली एक कंपनी के तौर पर। विनोद जी मैं आपके पास आऊंगी, आपने आशुतोष जी का नाम लिया है तो आशुतोष जी का ही सीधे रुख करते हुए, आशुतोष जी ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो, और दूसरी तस्वीर जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है आतिशी की ओर से। अब तमाम और चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, गोपाल राय तमाम दूसरे चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पूर्व सीएम अब बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी, और अपने आप में आतिशी शायद पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं जो ये कहती हुई कि ना आप मुझे बधाई दीजिए ना आप मुझे माला पहनाइए, क्योंकि मेरे लिए ये दुख की घड़ी है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आशुतोष जी? सिफारिश करूंगा कि दल बदलू अगर बीच में टोके तो उनको रोक दीजिएगा प्लीज आशुतोष जी को, मैं बीच के मामले में नहीं, नहीं क्योंकि मैं बीच के किसी दूसरे के मामले में नहीं बोलता हूं। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, गौरव जी टिप्पणी करें तो बोलिए, दलाल को शो से उठा के फेंक दीजिएगा, दल बदलू है, लायक नहीं है ये, 10 रुपए में अपना ईमान बेच देता है ये दल बदलू आदमी है, ये मुलायम सिंह के चरण वंदना करता था भाजपा में। आशुतोष जी ये इन तस्वीरों पर आज की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है आशुतोष जी प्लीज गौरव भाटिया जी प्लीज, अब कोई नहीं बोलेगा एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी इन तस्वीरों पर। आशुतोष जी तस्वीरों पर प्लीज। बिल्कुल मैं बोलने के लिए तैयार बैठा हूँ, बोलिए, इनकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है सर, आप मेरी बात सुने, बोलिए। देखिए ये जो तस्वीर है, एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए आप, वो ये कि दिल्ली को आतिशी से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। इतनी पढ़ी लिखी, सेंट स्टीफेंस का बैकग्राउंड है, ऑक्सफोर्ड का बैकग्राउंड है, रोड स्कॉलरशिप का बैकग्राउंड है, इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी और इतना इतना जो एकेडमिक करियर है वो नहीं मिल सकता दिल्ली। अगर इस पर भी लोगों को आपत्ति हो सकती तो उसके एक राजनीतिक सवाल है, उसके जवाब दिए जा सकते हैं। लेकिन ये कहना उनके माँ बाप के आधार पे अगर आप उनके उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उछालते हैं, तो मुझे लगता है ये उसी तरीके की राजनीति है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 2015 के विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था ये तो नक्सली है, इनकी जगह जंगल में है। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि पिछले 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है अगर उसको फोकस करेंगे बजाय किसी का चरित्र हनन करने के, उनके माँ बाप पे अगर टिप्पणी करेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये उचित भी नहीं है, ये राजनीति में उचित नहीं है। फिर हर आदमी के माँ बाप की तस्वीर खींची जाएगी, उनके माँ बाप क्या करते थे, कौन सी दलाली करते थे, किन किन लोगों की दलाली क्या करते थे, मुझे सबका मालूम है, मैं जानता हूं किसके पिता किन किन चीजों की दलाली किया करते थे। तो एक पढ़ी लिखी महिला के बारे में जिनको दिल्ली जिनको मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ है, उनकी कामयाबी उनके कॉम्पिटेंस पर सवाल खड़े करने चाहिए तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन उनके माँ बाप को घसीटा जा रहा, ये अक्षम्य है नहीं, नहीं, और ये दिल्ली की जनता को बर्दाश्त नहीं देखिए माँ बाप के व्यक्तिगत चीजों को नहीं घसीटा जा रहा है, उनकी आइडियोलॉजी को घसीटा जा रहा है, वो भी टेररिज्म से लिंक आइडियोलॉजी को घसीटा जा रहा है। दूसरी बात, उसी विचारधारा को उनकी बेटी भी आगे बढ़ाती रही है और कभी भी इसका उन्होंने प्रतिकार नहीं किया है, इसलिए सवाल उठता है। विनोद अग्निहोत्री जी, अब इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी, देखिए बार बार बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है, जब भी हमने देखा है मुख्यमंत्री के तौर पर कोई शपथ के लिए या फिर इस तरह से अपना समर्थन पत्र देने के लिए जाता है तो वो खुशी से लबरेज रहता है, लेकिन आतिशी यहाँ पर थोड़ी उदास साउंड कर रही है, उनकी बातों से भी ये बातें नजर आई। क्या उनके ऊपर दबाव भी रहेगा अगले 5 महीनों तक, जिस तरह से वो सरकार चलाएंगी, खुद उनकी ओर से बार बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी बता रही है खड़ाऊ रखकर हम शासन चलाएंगे। देखिए आतिशी को मालूम है कि वो इस चुनाव तक मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी
और आम आदमी पार्टी के बीच में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो घोषित है, और अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो आतिशी को अपने कार्यकाल की अवधि मालूम है कि ये 5 महीने का उनका कार्यकाल है, नंबर एक। तो एक तो दबाव ये है, दूसरा दबाव ये है कि चाहे वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हो या ना हो, लेकिन उनकी छवि यही रहेगी, वो जो भी फैसला लेंगी उस पर अरविंद केजरीवाल की छाप होगी ही होगी, और वो स्वाभाविक है, वो भी एक है। दूसरा ये बात सही है कि उनके नेता है अरविंद केजरीवाल, और अगर वो अभी खुशी जाहिर करने लगे, पटाखे छोड़ने लगे, मिठाई बांटने लगे, तो खतरा बढ़ जाएगा चंपई सोने या जीतनराम मांझी बनने का। तो ऐसा कोई किसी तरह का संदेश या संकेत क्यों देंगी, और देना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आतिशी मरलेना का मूल्यांकन होना चाहिए, उनके माता पिता की विचारधारा क्या थी। अच्छा मान लीजिए उनकी विचारधारा नक्सली थी, जैसा कि हमारे संगीत रागी कह रहे हैं या बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो उनपे सरकार ने कोई कार्रवाई की क्या? क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ? भाई वो साईं ना, जो साईं बाबा थे वो तो जेल में चले गए नक्सली संबंध के आरोप में। ऐसा इनके पिताजी और माताजी पर तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कोई किसी तरह का FIR दर्ज हुई हो, कोई मुकदमा हुआ हो, उनकी सिंपैथी थी कि नहीं थी, क्या नहीं था। और दूसरा महबूबा मुफ्ती भी तो थी उसकी परोकार अफजलगुरु की, उनको तो मुख्यमंत्री बनाया था बीजेपी ने, उनके साथ डैश शेयर किया था भाजपा के नेताओं ने। तो ये कहना आतिशी मरलेना के कामकाज पर, उनकी योग्यता पर आप टिप्पणी करिए, उस पर आप मूल्यांकन करिए, उसके आधार पर जनता के बीच में जाइए। अब उनके पिताजी ये थे, बाबा ये थे और ये थे, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और शायद आशुतोष की बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को, आप याद कीजिए 2015 वाला वो, कि जब एकदम से उन्होंने नक्सली कहना शुरू किया था तो उसका रिएक्शन दिल्ली में क्या हुआ था। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कामकाज पर आप वोट मांगिए दिल्ली की जनता से, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। गौरव जी, ये चित्रा जी, देखिए सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि माँ बाप पर टिप्पणी करी जा रही है, ये बिल्कुल गलत तर्क है, ये बहुत ही सतही तर्क है। बात करी जा रही है कि माँ बाप की विचारधारा क्या थी, और क्या कभी आतिशी मारलेना ने कहा कि मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं जब उन्होंने संविधान की शपथ ली और वो आतंकी के साथ खड़ी रही। ये आज सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन आज बात करनी चाहिए आतिशी मारलेना की, और वही सवाल मैं पूछता हूं। आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल आज भी अभियुक्त है शराब घोटाले में। अरविंद केजरीवाल से चित्रा त्रिपाठी जैसे एक निर्भीक पत्रकार ने पूछा कि आपके विजय नायर से क्या रिश्ते हैं। आप याद करिए चित्रा जी, उन्होंने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा विजय नायर रिपोर्टेड टू आतिशी मारलेना डायरेक्टली, मतलब शराब घोटाले का एक अभियुक्त जिसने 100 करोड़ रुपया लिया साउथ की लॉबी से, वो आतिशी मारलेना को रिपोर्ट कर रहा था। क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा? दूसरी बात, आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री जब बनेंगी तो जितने अफजल मामा जैसे आतंकी हैं उनको अपना रहनुमा मिल गया, क्योंकि उनको पता है कि इनकी सोच ऐसी है। इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्साइज डिपार्टमेंट इन्हीं के पास था, एक्साइज डिपार्टमेंट में हमने देखा घोटाला हुआ और आतिशी मारलेना ने एक ठोस कदम नहीं उठाया कि जांच एजेंसी के साथ वो सहयोग करे। पावर का इनके पास मंत्रालय था, 2 बार टैरिफ राइज कर दिया, जो उसकी कीमत थी बढ़ा दी, जबकि जनता को कहा था बिजली मुफ्त करेंगे। पीडब्ल्यूडी में स्कैम हो गया, इनके अंडर में आता है डिपार्टमेंट, और फ्लडिंग दिल्ली में बाढ़ आ गई, यही निठल्ली निकम्मी मंत्री थी। और चौथा, 18 महीने शिक्षा मंत्री भी रही, कितने स्कूल बनाए हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो कहा था आम आदमी पार्टी ने कि हम 500 स्कूल बनाएंगे, तो 18 महीने में 100 स्कूल तो बना देते। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट। मैं एक बात बता दूं कि अफजल गुरु की बात करते हैं, अफजल गुरु के जो सहयोग पार्टी शहीद की थी उनके साथ मिलकर सरकार बनाए, और आज तो इन्होंने रिश्ता ही बता दिया, इन्होंने अफजल मामा कह दिया, अब रिश्ता समझ में आता है। एक बात, ये वो लोग कहते हैं जो पठानकोट में ISI की जांच के लिए ISI को बुला लिया था, तो देशद्रोही कौन है समझ में आता है। और देख कैसे कैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, निठल्ली निकम्मी, मैं कह रहा हूं ना, इनका चरित्र और आचरण देखिए, ये भाजपा का चरित्र और आचरण दर्शाता है।